सुनीता डुग्गल जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ। पहली शुरुआत तो राजनीतिक पार्टियों की यहीं से हो सकती है कि आप टिकट ज्यादा दीजिए, आप महिलाओं को टिकट। सबसे बड़ी पार्टी, स्पष्ट जनादेश वाली देने वाली पार्टी बीजेपी, अगर 12.6% महिलाओं को टिकट देगी तो फिर कैसे बात बनेगी? और दूसरा प्रश्न जो आपकी सरकार पर उठ रहा है वो देरी को लेकर, सेंसस परिसीमन को लेकर, और तीसरा प्रश्न है ओबीसी का। तो ऐसे में सवाल है कि इन तीनों पर आपकी सरकार का आपका पक्ष क्या है? सुनीता जी, अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लगातार जो है वो एक के बाद एक शो कितनी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ करती हैं। आप एक बहुत बड़ा जो है वो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि टिकट्स के बारे में, ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि अगर जो राजनीतिक दल हैं वही अगर टिकट्स ज्यादा देंगे तो नेचुरल सी बात है कि वो चुनकर ज्यादा आएंगी। लेकिन इसमें मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर संगठन के अंदर किसी ने इस बात की शुरुआत की थी तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, और हमारे संगठन के अंदर जो है वो 33% महिलाओं की भागीदारी है। और अभी भी जैसे आपने सभी आंकड़े बताए तो उसमें भी आपने देखा होगा कि आपने बताया कि 41 जो है वो भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद जो है वो लोकसभा के अंदर है। तो देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हम कम से कम फिगर के नाम पर अगर हम देखें तो हम लोग जो हैं अभी आगे बढ़ रहे हैं इस बात को लेकर। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच जो महिलाओं को लेकर है, खासकर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहां पर उन्होंने एक बात नोटिस की कि ऐसे क्षेत्र जो कि पुरुष के का जहां पर प्रतिनिधित्व ज्यादा है, जो कि उन्हीं का ही माना जाता है कि ये क्षेत्र जो है वो पुरुष प्रधान क्षेत्र है, उसमें भी उन्होंने जो है वो महिलाओं की इंटरफेरेंस कराने की कोशिश की वहां पर। और आप देखते हैं कि वहां पर जो फॉरेस्ट गार्ड हैं वहां पर उन्होंने महिलाओं को नियुक्त किया, और उन महिलाओं ने जिस तरीके से वहां पर उस फॉरेस्ट गार्ड को, रिजर्व को जो है एरिया को संभाला, तो उसके बाद जो है ये बात और समझ में आने लगी कि महिलाएं जो है वो किसी भी मामले में कमतर नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपकी बात का जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि बिल्कुल सही बात है कि सभी दलों को जो टिकट्स जो है वो महिलाओं को जरूर देना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर अंजना जी एक बात और भी समझ में आती है कि जिस तरह से हम लोगों ने पंचायत के अंदर ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे, जब ये शुरू हुए तो उसमें बिल्कुल ये बात रही कि जो महिला पंचायत में सरपंच बनती थी, ब्लॉक समिति की मेंबर बनती थी, कोई चेयरमैन बनती थी, तो उनके पति जो है या कि उनका कोई ना कोई उनके परिवार का जो पुरुष है वही उसके ऊपर जो है अपने अधिकार के साथ जो काम करता था वो केवल सिग्नेचर करती थी, वो भी अगर उनको सिग्नेचर करना आता होता तो। तो ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन अभी स्थिति बहुत बदली है क्योंकि लगातार जब आप जो है उनको अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, प्रतिनिधित्व देंगे, तो वो महसूस करती हैं कि तुम किसी भी मामले में कमतर नहीं हो, और वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं सब चीजों के अंदर। तो अब स्थिति जो है इस मामले में कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा बदली हूँ। देखिये ना सुनीता जी, एक बात तो तय है ना जी कि संविधान सभा में भी इस पर बहस हुई, नहीं दिया किसी ने। जाति के आधार पर आरक्षण दे दिया लेकिन महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। उसके बाद दशकों तक यह मामला ऐसे ही लटकता रहा। 96 से असल कोशिशें शुरू हुई जब बिल आया, और अब देखिए 2023 में बिल आया है, पास हुआ है, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। जी देखिए ऐसा है अंजना जी, उसमें ना बहुत से टेक्निकल इश्यूज ऐसे हैं। जैसे कि सेंसस की हम बात करें, सेंसस जो है हमारा 2011 के अंदर हुआ था, उसके बाद जो है सेंसस नहीं हुआ क्योंकि 2021 के अंदर वो होना चाहिए था लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ। तो जो सेंसस होगा, सेंसस के बाद जिस तरह की जो जनसंख्या है उसके आधार पर जितनी भी सीटें बनेंगी, उसके बाद परिसीमन के आधार पर जो है वो परसेंटेज जो है महिलाओं को उचित जो है उनको प्रतिनिधित्व मिले, इसीलिए जो है ये कंडीशन रखी गई है कि पहले सेंसस होगा और सेंसस होने के बाद जो है वो डिलिमिटेशन जो होगा, उसके बाद जो डिलिमिटेशन का कमीशन है वो उसके बाद तय करेगा, उसके बाद जो है ये लागू होगा। लेकिन मतलब किसी मौजूदा सांसद को, मतलब सुनीता जी अगर मैं सही समझ रही हूँ, एक और सवाल है आपसे, मतलब अगर मैं सही समझ रही हूँ तो मतलब जितने मौजूदा सांसद हैं उन सब की सीटें सुरक्षित रख दी जाए उनके लिए, जो परिसीमन में सीटें बढ़ेंगी उनमें से आप सीटें निकालेंगे महिलाओं के लिए, यही हुआ ना? यही हुआ ना ये? नहीं देखिए, देखिए अभी सबसे पहले सेंसस के आधार पर सीटें बढ़ेंगी, सीटें बढ़ने के बाद जो है उसमें जैसे सपोज अभी 543 अगर लोकसभा की सीटें हैं तो वो सेंसस होने के बाद हमें ये पता लगेगा, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो एक एक लोकसभा जो है उसमें कम से कम भी 18 से 19 लाख जो है वो हमारा मतदाता है।
तो इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो है वो एक लोकसभा का सांसद है वो ठीक से उस पर न्याय भी नहीं कर पाता है। तो इसमें अगर सीट्स जो है वो परिसीमन के आधार पर बढ़ेंगी, तो सीट्स अगर हमारी बढ़ेंगी तो परसेंटेज भी उसके हिसाब से बढ़ेंगे। बल्कि एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहती हूँ कि पुरुष हमारे जो भाई हैं वो उनको बिल्कुल भी जो है वो उनको नाराज होने की जरूरत नहीं है या वो कि ये इस चीज का कष्ट महसूस ना करें। सीटें बढ़ेंगी तो नेचुरल सी बात है कि उनकी सीटें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाली है। ये तो जो सीटें बढ़ेंगी समझ लो कि वही की वही सीटें जो है वो महिलाओं के खाते में आ जाएंगी। तो इसलिए उनको उनको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मलुक जी बहुत खुश हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जहाँ तक आप ओबीसी की बात करते हैं, मलुक जी बहुत खुश हो रहे हैं। मलुक नागर साहब कह रहे हैं इनकी सीट तो सुरक्षित रहेगी, पर इनकी नाराजगी की चिंता क्यों करनी है? क्योंकि ये तो महिलाओं का हक लिए बैठे हुए हैं ना, तो इनको तो नाराजगी के लिए वजह मिलनी चाहिए। इनको समझ में आना चाहिए कि जो महिलाओं को टिकट नहीं देती हैं ये तमाम पार्टी, और आप तो मायावती की पार्टी के हैं मलुक नागर साहब जी, आपकी पार्टी में टिकट नहीं देते हैं सिर्फ 6%। मैं इसलिए थोड़ा सा हंसा कि बहुत ही अच्छा बोलती हैं हमारे साथी सांसद की जो हैं दुग्गल साहब, तो वो जो कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं उसी को कन्फर्म कर रहे हैं। असली बात ये नहीं है, 543 में से 181 बैठेंगी और 888 में से प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएंगी। आज की डिबेट और आज का मुद्दा यह होना चाहिए कि किस तरह 2024 में यह आरक्षण लागू हो, उसके लिए देश की सरकार को क्या क्या करना पड़ेगा, और संवैधानिक ढांचे में आके चाहे परिसीमन से संबंधित है। अभी सुनीता जी ने कहा 2011, ओके 2011 का सेंसस उठाओ और उसी के आधार पे 6 महीने का कार्यकाल कर दो, जो 2 साल का परिसीमन करने वाले का, और 6 महीने में पूरी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके और कराओ 2024 में। और जहां तक बात आरक्षण की है 33% की, मैंने पिछले शो पे भी कहा वहां कुछ कंफ्यूजन हुआ, वो आरक्षण है ही नहीं, 50% होना चाहिए, 33 कर रहे हैं तो अभी तो 17% इनका हिस्सा बाकी है जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं बनकर के एमपी। असलियत में तो 2024 में कैसे हो, इस पे होना चाहिए। अंजना जी, मलुक जी के हंसने पे आपने डिबेट ही उनके 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 पाले में डाल दी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ वो मुस्कुराए। मैं तो उनसे पूछ रही थी कि 6% टिकट क्यों देते हैं, लेकिन सब ऐसे सवाल पूछने पर ना पतली गली से इधर उधर निकल जाते हैं, क्योंकि यही सवाल है ना जिम्मेदारी की। सब ज्ञान की बातें, बातें तो हम लोग संविधान सभा से लेकर अभी तक सारे भाषण उठा के सुन लीजिए, सब ऐसा ही कहेंगे कि महिलाओं का उत्थान करना चाहते हैं, लेकिन जब बारी टिकट देने की आती है तो ये तमाम पार्टियां किस तरह का धूल झोंकती है महिलाओं की आंखों में। मतलब कानून बनेगा तब बाध्य होंगी, तब टिकट देंगी, ज्ञान की बातें हमें सुनाएंगी। सप्पल साहब, ये आपकी पार्टी पर भी लागू होता है, कितना आप लोग देते हैं? 12.9 टिकट। और सुनिए, आपके नेताओं को तो संसद में लगता है कि सबसे क्रांतिकारी आप ही लोग हैं। हम मानते हैं हम क्रांतिकारी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि बात जो महिलाओं की भागीदारी की है वो कल मोदी जी के बिल से शुरू नहीं हुई है, 1931 में शुरू हुई, भारत के अंदर कराची अधिवेशन में शुरू हुई। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने रेजोल्यूशन पेश किया था पूरी दुनिया में पहली बार कि सभी महिलाओं को बिना किसी शर्त के वोटिंग अधिकार मिलेगा। हम पहले देश थे पूरी दुनिया में, कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी थी, राजनीतिक दल पूरी दुनिया में, जिसने कहा था हर महिला को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। इसलिए क्रांतिकारी हैं। जब संविधान बना तो कांग्रेस पार्टी ने इंश्योर किया कि सबको वोटिंग राइट हो, उसके बाद पहली महिला अध्यक्ष हो पार्टी की, पहली प्रधानमंत्री हो, पहली गवर्नर हो, पहली स्पीकर हो, पहली डिप्टी चेयरपर्सन हो, पहली मुख्यमंत्री हो, पहली कैबिनेट मंत्री हो, ये सब कांग्रेस पार्टी ने दिया है ना। लेकिन रातों रात क्रांति नहीं आती थी। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महिलाओं को लोकल बॉडीज में आरक्षण भी कांग्रेस ने दिया। 15 लाख महिलाएं चुन के आती हैं देश के अंदर। 1992 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, पहले राजीव जी ने ट्राई किया था, नहीं कर पाए, फिर हमारी सरकार ने किया। तो ये जो बड़ी बड़ी क्रांतियां होती हैं अंजना जी, वो एक दिन में नहीं होती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी 90 साल से इस रास्ते पे चल रही है, और आज इस रास्ते पे चल के हम जब पहुंचे और हमने कहा कि हम बिना शर्त समर्थन करेंगे, तो मोदी सरकार ने 2 शर्तें रख दी। और जैसा आपने खुद बताया, शर्तें क्या हैं कि परिसीमन होगा, सेंसस होगा, कब होगा? 1931 के बाद होगा, क्योंकि जो आर्टिकल 82 की बात कर रहे हैं बार बार ये लोग, जो बिल में नहीं था लेकिन ये कर रहे हैं सदन के अंदर, कह रहे हैं कि आर्टिकल 82 के अनुसार होगा, और उसमें क्लियर लिखा है कि परिसीमन 31 के सेंसस के बाद होगा। 31 का सेंसस शुरू होगा, 2-2.5 साल लगेगा, उसकी रिपोर्ट आती है, फाइनल फिगर्स, उसके बाद डिलिमिटेशन, यानी कि 34 का चुनाव भी चला जाएगा।
अगर 5-5 साल सरकार चलती है तो ये लागू 1939 में होगा, इस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि ये इसका सभी पार्टी ने कल समर्थन किया जी। 100% वोट पड़े हैं इस बिल को कल राज्यसभा के अंदर, 100%, और महिलाओं को मुबारक देते हैं। लेकिन हमारा ये भी कहना था कि इसको 10 से 15 साल आपने टाल दिया है, 10 से 15 साल।